सो हेलो पोके फैंस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार नए पोकेमोन रेड एडवेंचर चैप्टर के अंदर। इसी जगह पे कल एश ने हम लोग को रिजेक्ट किया था, तो भाई इतना गंदा रिजेक्शन था, जरूर चेकआउट करना लास्ट एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आता है लास्ट, तो जरूर उसको लाइक करना। और अगर आपको पूरी सीरीज देखनी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। सीरीज पसंद आती है तो उसको भी लाइक करना, हर एक वीडियो को लाइक करना, तो मुझे पता चल जाएगा आपको एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं। और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इंस्टाग्राम हमको फॉलो कर लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। हम लोग फिलहाल है एक ऑसम से आइलैंड के अंदर जो है ग्रेपफ्रूट आइलैंड, और ये ग्रेपफ्रूट्स के लिए जाना जाता है। तो ऑब्वियसली बात है इसके आगे हम लोग जाएंगे, कुछ हॉन्टेड स्टोरीज भी हो चुके हैं, कुछ हॉन्टेड स्टोरीज और भी होने वाली है ऐसे मुझे लग रहा है इस पूरी जर्नी के अंदर। तो चलते हैं आगे की तरफ, और मुझे लगता है कि अभी सारे मिशन तो हो ही चुके हैं। लास्ट एपिसोड के अंदर एक अच्छा खासा पोकेमॉन भी हम लोग ने कैप्चर कर लिया था। तो फ्यू आवर्स अगो यहाँ पे भाई ये क्या है, ये तो सारे ऑरेंज लीग के जिम लीडर्स है। कम ऑन, हाउ लॉन्ग डू यू हैव? ओके, ये तो फोर्थ जिम लीडर है, ये है हमारी सीसी, और ये है रूडी। रूडी वही है जो थर्ड या फोर्थ जिम लीडर होगा। डैनी, उसको ऑलरेडी हम लोग ने डिफीट कर चुके हैं। सीसी को भी हम लोग ने ऑलरेडी डिफीट कर लिया है। तो ये और बंदी, और इसी के साथ रूडी यहाँ पे कुछ तो बात कर रहा है लूना के साथ, और लक्सरियस होटल फ्री फॉर चार्ज, और ये शायद से है लूना, लुआना ऐसे बोल सकता हूँ उसको मैं। तो लुआना और रूडी, इनके खिलाफ हम लोग को भी चैलेंज करना है, और ये है हमारा ऑरेंज लीग का चैम्पियन। क्योंकि ड्रेक हम लोग को पहले से पता है, आपने ऑरेंज लीग देखा रहेगा तो आपको पता ही रहेगा ड्रेक कौन है, और एश ने इसको हरा दिया था। तो डेफिनेटली यहाँ पे पोकेमोन एसोसिएशन के बंदे, टेस्ला भी यहाँ पे आ चुकी है। एसोसिएशन बंदे क्यों मालूम है, लास्ट एपिसोड के अंदर इनके बारे में पता चल चुका था। इंटरनेशनल पुलिस द लुकर भी यहाँ पे आ चुकी है, और टेस्ला डेफिनेटली पोकेमोन एसोसिएशन के लिए काम करती है, और इसके साथ साथ ग्यूरॉन यहाँ पे और नेट यहाँ पे, तो दो अलग बंदे हम लोग को देखने मिल रहे हैं। उसके साथ है ब्राउन, और ब्राउन की क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, क्योंकि डेफिनेटली वो हमारे खिलाफ ही जाने वाला है। ऑरेंज लीग के जिम लीडर यहाँ पे पोकेमोन एसोसिएशन के साथ बातचीत करते हुए, और ब्राउन भी यहाँ पे उनके साथ मिल चुका है। तो भाई सारे जो बंदे हमारे खिलाफ है, तो बेड़ा गर गया भाई हमारा। और ये छह पोकेमोन है हमारे पास जिनकी मदद से हम लोग उनको डिफीट कर सकते हैं। तो भाई ब्राउन भी चला गया उनकी टीम में, और लुकर डेफिनेटली लुकर भी चला गया। मुझे लगा कि लुकर हमारे साथ रहेगा, अच्छी खासी हेल्प की थी एक मिशन के अंदर तो लगा, लेकिन वैसी वाली बात नहीं है, और सारा जग हमारे खिलाफ है। लेकिन हम लोग चैलेंज करेंगे इन सिक्स पोकेमोन्स के साथ पोकेमोन एसोसिएशन को भी, और आगे बढ़ लेते हैं। आगे पता नहीं कौन सा आइलैंड होने वाला है, लेकिन आगे जर्नी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पे एक आइलैंड है ज़रूर, क्योंकि आइलैंड जैसे ही लग रहा है, पता नहीं एक स्मॉल आइलैंड है या बिग आइलैंड है, लेकिन यहाँ पे कुछ बंदे हैं उनके साथ बातचीत कर लेते हैं। माइक यहाँ पे हम लोग से बैटल करना चाहता है, तो फटाक से मैं बैटल रैप करके आ जाता हूँ। सारे पोकेमोन्स के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी बता के रख दिया है, तो मैं बैटल फटाफट से रैप कर लेता हूँ। कुछ खास सी बैटल तो है नहीं, लेकिन आर्योडोस था उसके पास ऑरेंज लीग वाला, सनोला के साथ हम लोग ने ऑलरेडी मीट कर चुके हैं। और यहाँ से हम लोग अभी सर्व करते हुए चलेंगे, यहाँ पे घर है, घर के अंदर घुस जाते हैं। बांस के बारे में बातचीत हो रही है, लेकिन बांस क्या बात कर रहा है पता नहीं। जोई भी कुछ, माई सिस्टर इज डिप्रेस्ड डेफिनेटली, और डिप्रेशन के बारे में तो भाई बहुत ही अलग अलग चीज़ें अभी तक हम लोग ने इस जर्नी के अंदर सुनी हुई है, बहुत ही अलग चीज़ें भी है। ये आइलैंड है गोल्डन आइलैंड, और यहाँ पे अपोजिट सेक्स आते हैं। समानता बोल रही है कुछ तो कहना है, हेल्प यार डेफिनेटली मार्गरेटा, हम लोग तो हेल्प के लिए आगे ही बढ़ जाते हैं। और समानता मार्गरेटा, वी नीड ऑल द हेल्प वी कैन गेट, रेस्क्यू द प्रिंसेस। सो यहाँ पे प्रिंसेस अटकी हुई कहाँ पे, तो उनको हेल्प करनी पड़ेगी। आवर प्रिंसेस बीइंग हेल्ड कैप्टिव बाय द ग्रेट कैट ऑफ बाउंटी, तो कैट ऑफ बाउंटी क्या पता नहीं, लेकिन ग्रेट कैट ऑफ बाउंटी वॉज आवर प्रोटेक्टर, इज ग्रांटेड आवर ट्राइब वेल्थ एंड फॉर्चून। हाउएवर लेटली इट बिकम एंड वेरी हॉस्टाइल टू आवर प्रिंसेस, दिस मॉर्निंग द कैट ऑफ बाउंटी हेल्ड अ प्रिंसेस हॉस्टेज, यू नीड टू हेल्प आउट। तो हॉस्टेज छुड़ाना है, कैट ऑफ बाउंटी द बोनस चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होते हुए, और इनके प्रिंसेस की हेल्प करेंगे ज़रूर। लेकिन प्रिंसेस की हेल्प हम लोग इनके कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के लेवल बढ़ाने में ये लोग हेल्प कर रहे हैं, और यहाँ पे सर्वाइवर ऑरेंज लीग का हम लोग को देखने मिल रहा है। फटाफट से इस बैटल को रैपअप कर लेंगे, उससे पहले ही बैटल रैपअप भी हो चुकी है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा हम लोगों को। देख रहे तुम्हारे सारे बंदे हम लोग को चैलेंज कर रहे हैं, जितने ज़्यादा हम लोग वीक हो जाएंगे उतना ज़्यादा जल्दी हील करना पड़ेगा। यहाँ पे अनदर बैटल जिसके पास है पोजिशन, तो हम लोग को यहाँ पे शायद से काइंड ऑफ स्नेक या कैट टाइप पोकेमोन देखने मिलेंगे, क्योंकि कैट ऑफ बाउंटी मिशन है, तो यहाँ पे बहुत सारे म्याउट जैसे पोकेमोन भी हो सकते हैं। तो फटाक से हम लोग इस बैटल को रैपअप करते हैं, और मैं आपको मिलता हूँ।
भाई ये चाम और हिप्नोसिस को कोई तो संभाल लो भाई। हिपमोली 60 पे जरूर चला गया, लेकिन श्याम ने हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिया है। यहाँ पे गोल्डन आइलैंड को हम लोग को छुड़वाना पड़ेगा। यहाँ पे अनदर बैटल जिसके पास है स्नो फेच और सो फेच को हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है। ये पापिस का इवोल्यूशन लगता है मुझे, किसी हालत से भी नहीं लगता है, लेकिन है अभी फैनमेड है तो रहेगा। लेकिन उसके बारे में अभी तक तो फिलहाल डिटेल इन्फॉर्मेशन तो मिली नहीं है, तो आगे जाकर थोड़ी थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आप भी जर्नी के अंदर बनी रहेगा। अभी तक एपिसोड अच्छा लगा है तो लाइक करना, और डेफिनेटली अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है अभी धीरे धीरे करके, तो आप भी इस गेम को खेल सकते हो। गेम का डाउनलोड डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। पर्शियन का हिप्नोसिस करने से पहले मैंने उसको स्टॉप कर दिया। पर्शियन के पास ना इस गेम के अंदर खाली नास्टी प्लॉट हिप्नोसिस, उसके बाद शायद से डार्क पल्स है किसी के पास, लेकिन इतना ज़्यादा हिट नहीं करता, और स्लैश अटैक है, स्लैश अटैक ज़्यादा हिट करता है एज कम्पेयर टू डार्क पल्स, तो उससे बच के रहना पड़ेगा। अनदर बैटल को हम लोग ने यहाँ पे रैपअप जरूर कर लिया है। अभी मेरे पोकेमोन बहुत ही अच्छे वेल्थ में भी है और हेल्थ में भी है, तो उनको लेके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं फिलहाल अभी सोच रहा हूँ कि एक एक्सपीरियंस शेयर ले लेते हिपमोन ली के पास से। 60 पे तो पहुंच चुका है बंदा, और अभी हम लोग को बाकी के पोकेमोन्स के लेवल भी बढ़ाने हैं, तो उसके लिए मैं अभी दे रहा हूँ ये सारी चीज़ें हमारे गैस को, और गैस शायद से यहाँ पे आगे बढ़ पाए। रेयर कैंडी हम लोग बॉनफर को दे देंगे, क्योंकि बॉनफर के पास भी कम लेवल है, तो उसके भी लेवल हम लोग को बढ़ाने पड़ेंगे। नो आई एम हियर टू हेल्प द प्रिंसेस, और रियली यू जस्ट बिकॉज ओके ओके भाई, ये तो बहुत ही अलग चीज़ हो रही है। सेव द प्रिंसेस, ओके लेट्स द बैटल आई विल प्रोड्यूस टू यू। तो यहाँ पे कुछ अलग ही बातचीत हो रही है, अगर आपने सही से पढ़ा रहेगा तो आपको भी समझ गया आगे रहा। तो पोगले और म्याउज जैसे पोकेमोन जैसे मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में, तो ऐसे ही पोकेमोन हम लोग को देखने मिलेंगे। पोगले बहुत दिनों बाद देखने मिल रहा है मुझे, टीम रॉकेट के पास देखने जरूर मिलते थे, और डायमंड के अंदर तो बहुत सारे पोगले देखने मिलते हैं। पोगले है, पोगले है या पोगले है पता नहीं उसका, लेकिन प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अलग अलग है इस पोकेमोन के। पर्शियन यहाँ पे फिर से एक बार, तो उससे पहले भाई वो हिप्नोसिस कर ले, हम लोग स्लीप ऑर्डर कर देंगे एक बार। भाई बहुत ही बड़ी बैटल हो गई थी हिप्नोसिस के वजह से, तो उसके वजह से अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन रखता हूँ इस पर्शियन के खिलाफ। और रेड के अंदर जिसमें बता रहा था पर्शियन के पास खाली ये 3-4 मूव्स ही है, तो उससे ज़्यादा एडिटेड मूव्स अभी तक तो देखे नहीं जितने मैंने एपिसोड खेले हैं। तो अभी फिलहाल तो नास्टी प्लॉट जिसमें बोला था, नास्टी प्लॉट यहाँ पर आते हुए पर्शियन को हम लोग ने डिफीट कर दिया है। यहाँ पे हम लोग ने ट्राइब के अंदर बंदी को भी डिफीट कर दिया है। द ग्रेट काउंट ऑफ माउंटी यहाँ पे हम लोग फाइनली जाके एंटर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक पोकी बॉल है जिसके अंदर है TM61। TM61 क्या है वो तो हम लोग को देखना पड़ेगा। TM61 है क्या, हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं सोच रहा हूँ हील कर लूँ मेरे पोकेमोन को, क्या बोलते हैं मेंटल तुम लोग। तो TM61 है यहाँ पे विलोवस, और बहुत सारे अटैक्स है यार, मतलब टोटल 150 से ज़्यादा अटैक्स है यार, सब कलेक्ट करने मुझे धीरे धीरे करके। और मैं ट्राई करूँगा अगर कोई अटैक मतलब छुप भी जाता है तो उसको भी ढूंढ के निकाल लेते हैं, क्योंकि एक अनदर मिशन हम लोग के पास है कि एटलीस्ट 150 से 200 है, तो उसके हिसाब से कलेक्ट करते जाएंगे 150 से 200 चीज़ों को। और अभी हीलिंग आइटम तो एक भी है नहीं हमारे पास, तो मुझे लगता है हीलिंग करने के लिए हम लोग को जाना पड़ सकता है द वन एंड ओनली पोकेमोन सेंटर के पास, और वो होगा ग्रेपफ्रूट आइलैंड के अंदर। तो सोच रहा हूँ, लेकिन उससे पहले तो भाई कुछ अलग चीज़ें भी मिल रही है। कैल्शियम तो पकड़ा दिया हर एक बंदे को, बैग भी खाली करने की अच्छी ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं पटाख से जाता हूँ हील करके हमारे पोकेमोन को रिटर्न आता हूँ आपको यही। तो हीलिंग करके तो हो चुकी है, फिर से एक बार पोकेमोन बहुत अच्छे वेल्थ में दिखाई दे रहे हैं, हेल्थ में दिखाई दे रहे हैं। वेल्थ में अच्छे क्यों है, क्योंकि एक्सपी अच्छा खासा है इन लोग का, लेकिन अच्छे खासे एक्सपी और ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। इसके साथ बातचीत कर लेते हैं, और हम लोग बता रहे हैं उसको कि हम लोग प्रिंसेस को सेव करने के लिए आ रहे हैं। और पर्शियन फिर से एक बार देखने मिल रहा है, फिर से एक बार हिप्नोसिस, और गलती से मैं भूल गया यहाँ पे इसलिए पाउडर कर लेना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास ना कोई अभी ब्रेकिंग है ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं। फाइनली जाके बल्बा ने अपना जो रिवेंज है वो तो ले लिया अर्थिक यूज़ करके, और गैस चला गया 29 पे। गैस फटाफट से शायद से इवॉल्व भी हो सकता है और लेवल अप भी हो ही जाएगा। यू आर पावर समंथ आस्क मी टू सेव योर प्रिंसेस, सिट बैक एंड रिलैक्स। तो दैट्स सो एग्जिस्ट रिलैक्स, मैंने खुद ऐड कर लिया। यू आर टेलिंग मी टू सिट बैक एंड यू वांट सो ऑलवेज वांट टू मी टू मेक योर सैंडविच सेक्सिएस्ट। ओ भाई ये क्या है, व्हाटएवर सो सेक्सिएस्ट। तो यहाँ पे इस आइलैंड पे मुझे 2-3 चीज़ें समझ में नहीं आ रही, यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है, किस बारे में बातचीत चल रही है इन लोग की। लेकिन यार बहुत ही अलग ही अलग चीज़ है, और अलग चीज़ें नहीं बोल सकता है। कॉन्ट्रोवर्शियल मिशन भी हम लोग ने देखा था सेंटा का, जो अभी तक कंप्लीट नहीं किया हम लोग ने, तो सेंटा का मिशन भी आप चेक कर सकते हो। और उस एपिसोड में एक ऑसम सी चीज़ हुई थी। ओ भाई यहाँ पे क्या है, डेड म्याउथ द आइस ऑफ कैट ऑफ माउंटी यूज्ड ही, तो समवन एल्स इज हियर। तो यहाँ पे कैट ऑलरेडी, कैट ऑफ बाउंटी जो है वो यहाँ पे मरी पड़ी है, डेड हो चुकी है। मुझे लगता है कि हिडन डोर हो सकता है, तो
ये ना खाली ये चीज़ें ना टीम रॉकेट ही कर सकती है, यहाँ पे एक बंदी है, बंदी से बातचीत कर लेते चाहिए। ये है प्रिंसेस, प्रिंसेस निया ना, ओ थैंक यू, यू टू नीड टू एस्कॉर्ट, ओके डोंट वरी, यू आर सेफ नाउ, वेट फॉर नियर द एग्जिट। और ये हम लोग ने उसको बोल दिया कि एग्जिट के पास चली जा, हम लोग वहाँ पे डेफिनेटली आ जाएंगे, और आई शुड इंस्पेक्ट दिस एंटायर एरिया। तो अभी इस एरिया को पूरा ढूंढना पड़ेगा, क्या चीज़ें क्या नहीं, लेकिन मुझे बुक शेल्फ्स के पास बहुत ही अलग तरीके से एक वाइब्स आ रही है, तो बुक शेल्फ पे क्लिक करके देखेंगे हर एक। और यहाँ पे एक हिडन डोर है, हिडन डोर के अंदर क्या है पता नहीं, लेकिन हम लोग घुसेंगे जरूर हिडन डोर के अंदर, लेकिन उसके बाजू में हिडन डोर्स है कि नहीं चेक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं है, एक अकेला हिडन डोर यहाँ पे है। प्रिंसेस नियाना, इट्स प्रिंसेस इज डेड एंड वू वाज द वन आउटसाइड कॉर्नर, द शेफ शूटर, द नेम इज जेड। सो टू टेल मी द ट्रूथ, आई हैव लिव्ड फॉर द थाउजेंड ईयर्स, आई हैव नेवर सीन अ पर्सन डिगिंग देयर। ओके, तो यहाँ पे प्रिंसेस का शेफ शूटर है जिसका नाम है द जेड, और यू नो अ रीजन, ओवर अ थाउजेंड ईयर्स अगो आई वॉज यूज एज अ वेपन अगेंस्ट द डार्क डीटीज एंड स्ट्रेंज होप क्रिएटेड बाय द वन ऑफ द देयर थ्री डार्क डीटीज, व्हाई डिड यू किल द प्रिंसेस। तो हमारे पास एक ही क्वेश्चन है, लेकिन दैट्स ब्लू, और यहाँ पे ब्लू आते हुए फॉर द प्रोटेक्शन इज नॉट ऑब्वियस, दैट्स वाई यू किल द प्रिंसेस, टू स्टील द आइडेंटिटी एंड द प्रोटेक्शन एंड द लग्जरी दैट्स कम विद इट। यस इट्स वर्क, बट दैट स्टूपिड कैट ऑफ माउंटी न्यू आई वॉज फेक। तो कैट ऑफ माउंटी को पता चल चुका था कि ये बंदी जो है, मतलब ये जो प्रिंसेस है वो फेक है और रियल प्रिंसेस मर चुकी है, तो उसके वजह से शायद उसने कैट ऑफ माउंटी को भी मार दिया। तो कैट ऑफ माउंटी अच्छी थी, उसको कैप्चर कर सकते थे हम लोग अगर वो जिंदा रहती थी। तो Oh yeah, don't you think I will tell the others about this? Actually, you will be telling them that you killed the cat of bounty. Why should I do that? Just a hunch. तो इसी के साथ हमारा रूप लेते हुए, तो एक मर्डर तो हम लोग ने किया नहीं, लेकिन उसका इल्ज़ाम तो हमारे पे है, लेकिन सेकेंड मर्डर का भी इल्ज़ाम हम लोग पे भी लगने वाला है। You didn't think I would just let, okay. यहाँ पर ट्राइब आ चुकी है हमारी हेल्प करने के लिए, समझ डोंट लेट इट एस्केप, इट्स कॉट अप वी। तो ओके, तो जो जेड था, जो शेफ टिप्टर था, वो तो यहाँ से भाग चुका है, लेकिन इस ट्राइब ने हमारी जरूर हेल्प की, अच्छा हुआ वक्त पे आ गया, नहीं तो एक और मर्डर का इल्ज़ाम हम लोग पे लग जाता। और इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स व्हाट अ शेफ शिफ्टर, यू वुडंट हैव नोन। तो एक्सपेक्ट आई डिड, ओके डेफिनेटली प्रिंसेस को बचा नहीं पाए, लेकिन हम लोग को एक प्रिंसेस रखनी पड़ेगी यहाँ पे, जो काइंड ऑफ इस गोल्डन आइलैंड को संभाल पाए वक्त पे वक्त। और कैट ऑफ बाउंटी के बारे में पता चल चुका है उन लोग को, और एंड ऑफ द बोनस चैप्टर ऑफ द कैट ऑफ बाउंटी। तो अच्छा हुआ, एक अनदर मिशन हम लोग ने बोनस चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, लेकिन ये क्या है, साइथर वल्पेक्स, और वल्पेक्स नहीं, वो टॉरस है, और यहाँ पे ये बंदे जो हम लोग ने उनके साथ ऑलरेडी मिल नहीं चुका है, लेकिन देख तो चुका है स्टार्टिंग में, नेट गेवरॉन जो हम लोग को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम लोग उनको लगा कि मैं पैलेट टाउन का हूँ, लेकिन वैसे नहीं है, ये ज़ोक निकला जो शेफ शिफ्टर है। और ऑन द वन कंडीशन, तो अभी शायद से ये इसका गंदा यूज़ कर सकते हैं, और वो हमारे खिलाफ ही हो सकता है डेफिनेटली। तो आगे बहुत ही बड़ी परेशानियां होने वाली हमारे लिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल द पोकेमॉन एसोसिएशन हमारे खिलाफ है, सेकंड है कि हमारे पोकेमॉन्स के लेवल बढ़ाने हैं, और थर्ड है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा एक शेफ शूटर घूम रहा है पूरे एरिया में। आई हैव फेल्ड माई ट्राइब एंड द प्रिंसेस इंपोस्टर एंड ऑल 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 ऑल, तो आई कैन टेल, ओके पावरफुल ट्रेनर्स। तो डेफिनेटली हम लोग अभी अंदर घुसेंगे और चेक करेंगे क्या चीज़ें चेंज हो चुकी है, क्योंकि कोई कुछ बंदा हम लोग को कुछ देने वाला है यहाँ पे, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे इबिसु नई बंदी शायद से हो सकती है, द प्रिंसेस जो हम लोग को दिखने मिल सकती है फ्यूचर के अंदर। यहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक अलग म्यूजिक जरूर सुनाई देता है आपको एंटर करने के बाद, जो टीम रॉकेट का बेस म्यूजिक है। और अभी बाहर चलेंगे और नेक्स्ट एरिया की तरफ हंटिंग करने के लिए निकलेंगे कि नेक्स्ट एरिया के अंदर हम लोग को कौन से मिशन मिलने वाले हैं। डेफिनेटली दो तीन चीज़ें ज़रूर है कि जिसको पॉइंट आउट करना ज़रूरी था, कि अगर कैट ऑफ बाउंटी यहाँ पे होती तो हम लोग उसको कैप्चर कर पाते, और बहुत ही अच्छी बात होती यहाँ पे सनोला फिर से एक बार। और हितोशी यहाँ पे बैटल करना चाहता, हितोशी के साथ जो भी बैटल है वो रैपअप कर लेते हैं, जिसके पास है पॉलीक्रॉम जो फटाफट से जा चुका है, तो रैपअप करने की ज़रूरत नहीं है। अनदर पॉलीडोर रिजल्व करेंगे, पॉलीडोर थोड़ा सा रह गया, फिर से एक बार रिजल्व करते हैं। अनदर भाई यहाँ पे क्या चीज़ चल रही है यार भाई, तीन तीन लगे, गैस चला गया 30 पे, और आ रहा है पॉलीग्रैप, इसको हराने के लिए अर्थ नहीं लग रहा है, अलग बात है, बल्बा चला गया, बल्बा डाउन हो चुका है। और अभी हम लोग पॉली को सेलेक्ट करेंगे, ड्रेन पंच यूज़ करेंगे, क्योंकि वही एक इफेक्टिव मूव हो सकता है पॉलीग्रैथ के खिलाफ। अब हिप्नोसिस तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सब जरूर एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद डाइव भी एब्जॉर्ब कर सकता है, डाइव का फिजिकल अटैक जरूर गिर सकता है, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना हम लोगों को। और यहाँ पे है प्रेंटिस, जो एक फैन मेड पोकेमोन हम लोग को देखने मिल रहा है फिलहाल। यहाँ पे है जेमिनी ऑल्सो, तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के फैन पेड पोकेमोन्स भी देखने मिलेंगे, फैन पेड भी है, फैन मेड भी है। तो
यहाँ पे बंदी के साथ जरूर बातचीत कर ली हम लोग ने, ये बंदी शायद से बैटल कर सकती है हमारे साथ। और इसके पास है आर्केनाइन ओ, आर्केनाइन जीरो भी बोल सकते हैं उसको। आर्केनाइन ओ यहाँ पे माना जाता है, मतलब आर्केनाइन माना जाता है तो वाटर टाइप पोकेमोन। तो यहाँ पे कैश लगे लेवल 31 पे आ रहा है टॉर्कोल। टॉर्कोल को डिफीट करने के लिए हम लोग पॉली पे डिपेंड रहेंगे, ना कि बल्बा पे, क्योंकि मुझे बल्बा पे ज्यादा प्रेशर नहीं देना है फिलहाल के लिए। और डेफिनेटली बात है पॉली को सिलेक्ट कर लिया हम लोग ने यहाँ पे, और हिप्नोसिस यूज करेंगे उसके बाद। मैं डेफिनेटली यहाँ पे ट्राई करने वाला हूँ सर्फ, और अनदर सर्फ की जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। और दो सर्फ इस रिजल्ट टॉर्कोल पूरा का पूरा डाउन होते हुए, और हम लोग ने अनदर बंदी को हरा दिया है यहाँ पे। और मुझे लगता है हीलिंग की जरूरत पड़ने वाली है। और ये है मोरो आइलैंड, फाइनली एक अनदर आइलैंड पे हम लोग पहुँच चुके हैं। गोल्डन के बाद मोरो, उससे पहले ग्रेपफ्रूट। तो प्लीज़ प्ले विथ मी, नहीं खेलना चाहता भाई मैं फिलहाल तो। और यहाँ पे हील करेंगे पहले पोकेमॉन्स को, और उसके बाद आगे की चीज़ें देख लेते हैं कैसी चीज़ें चलने वाली है। हीलिंग शीलिंग तो हो चुका है, अभी आगे बढ़ लेते हैं, आगे चेक करते हैं। मोरो आइलैंड को बाद में चेक करूंगा, उससे पहले एक मेजर मिशन है जिसको हम लोग कवर करना चाहते ज़रूर है, मतलब मैं खुद कवर करना चाहता हूँ उस चीज़ को। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे इस बंदे से बात करेंगे और उसके साथ बैटल करेंगे जिसके पास है द वॉरहाउंड और फ्लाइड्रा। फ्लाइड्रा भाई बहुत ही मुश्किल क्रिएट कर सकता है, ये किंड्रा ने आज तक किए तो फ्लाइड्रा यहाँ पे जरूर मुश्किल क्रिएट करेगा। वॉरहाउंड यहाँ पे डिफीट होते हुए, फ्लाइड्रा का पता नहीं क्या है लेकिन गैस चला गया लेवल 32 पे, और उसने भाई आते ही हमारे डायनामाइट को लेके चला गया विद द हेल्प ऑफ हाइड्रो पंप। तो यहाँ पे रेजर लीफ कर सकते हैं, और सेकंड ऑप्शन है मेगा किक का, क्योंकि अगर मेगा किक बैठ जाती है तो वन हिट के वो भी दे सकता है। लिसीड यूज़ करेंगे क्योंकि एज अ प्रिकॉशन, लेकिन फ्लाइड्रा ने यहाँ पे दोनों चीज़ों को अवॉइड कर दिया है। लिसीड अच्छे खासा फाइनली बैठ गया और मेगा किक भी बैठ गया, तो दोनों एक साथ। और यहाँ पे स्लीप पाउडर यूज़ करूँगा, और दूसरा यूज़ करूँगा मैं ब्लेज किक फॉर ट्रायल, क्योंकि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो बल्बा के जो थोड़ी सी एचपी है वो गेन हो जाए। इसके लिए ब्लेज किक यूज़ किया, मेगा किक भी यूज़ कर सकते थे, अर्पिक अब यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अर्पिक तीनों को भी बैठ सकता है, उसके बाद थोड़ा सा डेंजरस ज़रूर है। लेकिन फ्लाइड्रा यहाँ पे डिफीट होते हुए, और फाइनली एक अनदर ट्रेन जिसको हम लोग ने डिफीट कर दिया, जिसने हम लोग की लेवल बढ़ाने में हेल्प की है यहाँ पे। और यहाँ पे डाइव है तो डाइव करेंगे, नीचे की तरफ चले जाएंगे, और यहाँ पे क्रैबी किंगलर्स आपको मिल सकते हैं, उसके साथ साथ टेंपल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे है टैंक, और यहाँ पे हम लोग को सोडा पॉप मिल चुका है जिसकी यूज होने वाला है बिनाकल, जो आपको सन एंड मून के अंदर दिखाई दे सकता है। और ये पूरा एरिया घूम लेंगे, उसके बाद ही मेन प्रिकॉशन के पास चले जाऊंगा, क्योंकि उसके बारे में मैंने सुना था, ये है मेन मिशन हमारा। लेकिन यहाँ पे मेन टैंक फिर से एक बार 55 लेवल का, जो आपको आगे जाके एक अलग पोकेमॉन भी दे सकता है। और यहाँ पे मिस्ट्री के बारे में बात चल रही है, गोस्ट शिप के बारे में बातचीत चल रही है, TM-74 हम लोग को मिल चुका है। बिनाकल बहुत ही अच्छा इवोल्यूशन हो जाता है, उसका डिज़ाइन आपको पसंद नहीं आएगा लेकिन अटैक अच्छे खासे उसके पास। तो रन अवे सेफली करेंगे, और मुझे लगता है सारे एरिया तो हम लोग ने यहाँ पे पूरा घूम ली है दुनिया अंडर वाटर की। लेकिन बिनाकल है लेवल 47 का, तो यहाँ पे टाइप करके आप फिर से एक बार ऊपर जा सकते हो। और इस बंदे के साथ बातचीत नहीं की, इस बंदे के साथ बातचीत कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो भी बोल रहा है कुछ शिप के बारे में, और बोल रहा है नियर नहीं जाना है, पास नहीं जाना है, सारी चीज़ें। और यहाँ पे है रेमोरेट जीरो, जिसके बैक साइड पे आपको थोड़ा सा एक अलग डिज़ाइन दिखाई देगा रेमोरेट के ओरिजिनल फॉर्म के अलावा। और अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं हमारे एक मेजर मिशन की तरफ। आज के दिन हम लोग अंडर वाटर रहेंगे, कभी हम लोग बारिश के अंदर रहते हैं, कभी हम लोग ज़्यादा ही सैंड के अंदर रहते हैं। अभी सैंड के अंदर तो आया नहीं कभी, लेकिन बारिश के अंदर बहुत आया। अभी हम लोग रहेंगे अंडर वाटर, और ऑक्सीजन सिलेंडर भर के रखा हुआ है। अगर आप चाहते हो मेरा कैरेक्टर ना मरे तो लाइक करना वीडियो को, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी एपिसोड बहुत ज़्यादा बड़े होने वाले, तो आपकी सपोर्ट की जरूरत पड़ने वाली है। और उसके साथ साथ जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, उसके लिए थैंक यू। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया, एंजॉय करो वीडियोस को, आपको लगे तब सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं बोल के थक चुका हूँ, अभी ऐसे ही कंटेंट आते रहेगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पोकेमॉन एडवेंचर रेड, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायनारा।